हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे सभी। और मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे रेशो। सेकंड प्रैक्टिस सेशन होगा ये हमारा रेशो का, और आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉइन एंड वैल्यूज। ठीक है, कॉइन एंड वैल्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते ही हर साल एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया है, आप करके आने वाले हो अपने एग्जाम में 100%। ठीक है, और ये जो टाइप है ना कॉइन एंड वैल्यूज वाली, आज मैं आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि आपको लाइफ टाइम में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और आप 100% ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात क्या रही कि देखो, मैंने दो ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद मैंने कुछ अच्छा लेवल ही लिया है कॉइन एंड वैल्यूज पर। दो बेसिक क्वेश्चन भी इसलिए लिए हैं ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है या फिर जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, वो भी हमारे साथ मैच कर पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इस टाइप का बेसिक क्या होता है भाई। ठीक है, और वही सारा कुछ चलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है टाइप ऑफ कॉइन। टाइप ऑफ कॉइन का मतलब जैसे कौन कौन से कॉइन हो गए, 1 रुपीज के, 5 रुपीज के। ठीक है, अगर बेटा मैं टाइप ऑफ कॉइन्स की बात करता हूं, ठीक है, टाइप ऑफ कॉइन्स ये क्या चीज है, तो टाइप्स ऑफ कॉइन्स है कि अगर हम यूज करते हैं, देखो 1 रुपीज का कॉइन होता है, राइट, 2 रुपीज का कॉइन होता है, राइट, 5 रुपीज का कॉइन होता है और 10 रुपीज का कॉइन होता है, ये टाइप ऑफ कॉइन्स हो गए। ठीक है, कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं, तो पहले 50 पैसे के कॉइन भी चलते थे, 50 पैसे की बात कर रहा हूं मैं, और 25 पैसे के भी कॉइन चलते थे, बट आजकल नहीं चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल रुपीस की कोई ज्यादा वैल्यूज ही कहां रही यार। चलो, तो ये हो गए टाइप ऑफ कॉइन्स, क्लियर होगी बात। उसके बाद होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। दूसरी चीज ये होती है, एक तो टाइप ऑफ कॉइन्स हो गए इसके अंदर, दूसरी चीज होगी नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब कि कितने कॉइन्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 रुपए के, सॉरी, आपके पास 1 रुपए के 10 कॉइन है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 10 रुपीज इनकी वैल्यूज हो जाएगी। अरे यही तो बोलोगे यार आप। ठीक है, कि टाइप ऑफ कॉइन कौन सा है आपके पास, 1 रुपए का, आपके हाथ में 1 रुपए का कॉइन है, कितने कॉइन है, 10 है, तो वैल्यूज कितनी होगी बेटा उसकी, 10 रुपीज होगी। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है कि वैल्यू, जो वैल्यू होगी कॉइन्स की वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स पर डिपेंड करती है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टाइप ऑफ कॉइन है 5 रुपए का, 5 रुपए के कॉइन है, कितने कॉइन हो गए, 5 रुपए के, अगर मेरे पास 5 कॉइन है तो इनकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 25 रुपीज। समझ रहे हो, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर हमें रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ कॉइन हो जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, राइट, कोई भी नई चीज नहीं है, वही तो है। चलिए, तो बस ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इन चीजों को मैं छेड़ूंगा नहीं। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। और ठीक है, बोल रहा है, आप बैग कंटेन्स कितने रुपीज, 360 रुपीज। एक बैग के अंदर 360 रुपीज है, या फिर एक गुल्लक मान लो। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर 360 रुपीज है, और वो जो 360 रुपीज है वो किस रूप में है, उसमें 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है। तो जो 360 रुपीज बने हुए हैं ना बेटा, ये 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे से इनके कलेक्शन है, ये 360। ठीक है, इन सबका कलेक्शन है। तो टाइप ऑफ कॉइन कौन सा है इसके अंदर, 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे टाइप ऑफ कॉइन हो गए। अब इन टाइप ऑफ कॉइन का हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है, 5:8:12।
देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. तो हमें 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कितने हो जाएंगे. ठीक है, चलो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का हमारा, ध्यान देना. सबसे पहले लिख रहे हैं हम टाइप ऑफ कॉइन. अब टाइप ऑफ कॉइन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा TIC. TIC मतलब टाइप ऑफ कॉइन, TIC नहीं TOC. ठीक है, TOC हो जाएगा टाइप ऑफ कॉइन. तो भाई 1 रुपए का था हमारे पास राइट, 50 पैसे का था क्वेश्चन में और 25 पैसा था. ये टाइप ऑफ कॉइन्स दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो बॉक्स है उसके अंदर ये 3 टाइप के कॉइन्स हैं और इनके नंबर नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें रेशियो भी तो दे रखा है. कितना कितना दे रखा है बेटा, 5:8 और 12. ठीक है, तो ये चीज हमें दे रखी है और हम लोगों को बोल रखा है कि जो टोटल वैल्यू है वो 360 है. 360 तो टाइप ऑफ कॉइन हो गए 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 5, 8 and 12. तो देखिए यहां से मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं क्योंकि टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू. तो यहां से मैं बहुत प्यार से क्या निकाल लूंगा बेटा, वैल्यूज निकाल लूंगा. कैसे निकलेगी देखो, वैल्यूज कैसे निकलेगी ध्यान से समझना. 1 रुपए के 5 कॉइन, 1 रुपए के 5 कॉइन बट ये रेशियो में है तो हम इनका वैल्यू का भी रेशियो निकालेंगे. वैल्यू का रेशियो कितना हो गया 5. फिर क्या बोल रहा है भाई, 50 पैसे, 50 पैसे के 8 कॉइन है, 50 पैसे के 8 कॉइन हुए तो रुपीज कितने हो गए 4, है ना. 50 पैसे के अगर 8 कॉइन है तो रुपीज कितने हो गए 4, क्योंकि 50 पैसे इक्वल टू होता है 1/2 रुपीज के बराबर, हाफ रुपीज के बराबर है. तो मल्टीप्लाई आप करोगे हाफ तो कैंसल आउट होगा तो 4 रुपीज बने. बोलिए यस या नो. यस, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि 25 पैसे, अब 25 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपीज के बराबर होता है. 25 पैसे 1/4 रुपीज के बराबर होता है, मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो यहां से कितने रुपीज बन गए, 3 रुपीज बने. कितने रुपीज बने बेटा, 3 रुपीज बने. तो ये हमने वैल्यूज का रेशियो निकाल दिया. वैल्यूज का रेशियो कितना आया 5, 4, 3. अगर हम टोटल वैल्यूज देखेंगे, टोटल वैल्यूज कितनी आ गई 12. टोटल वैल्यूज का रेशियो, टोटल वैल्यूज का रेशियो कितना आ गया 12. ठीक है, इनका सम जो आया वो 12 आया. बट गिवन कितना है बेटा, गिवन है 360. गिवन कितना है 360, तो 1:1 कितने के बराबर होगा, कैंसिल आउट करो 12 से तो 1:1 की वैल्यू आ गई 30. बस यही फाइंड आउट करना था, 1:1 इक्वल टू हो गया 30. हमसे क्या पूछा था बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं. कितना था बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, कितना था 8. कितना यूनिट है बेटा, 8 यूनिट. कितना रेशो है, 8 रेशो. यूनिट रेशो एक ही बात होती है, मैं अगर यूनिट बोल रहा हूं तो भी वो रेशो है, अगर मैं रेशो बोल रहा हूं तो वो रेशो है ही. ठीक है, तो 8 यूनिट का वैल्यू में बतानी है. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30. 1 यूनिट की वैल्यू है 30. तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कितना रेशियो है 8. 1 कितने के बराबर है 30. तो मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे आंसर कितना आएगा 240. और यही आंसर आ गया. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो कुछ भी नहीं है, हमें टाइप ऑफ कॉइन गिवन होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें रेशियो गिवन होता है, इनको मल्टीप्लाई कर कर हमें इनकी वैल्यूज निकाल देनी है. टोटल वैल्यूज हमें दे रखी थी 360, कितना हो गया 12. तो 12 कितने के बराबर होगा 360 के बराबर. 1:1 कितने के बराबर हुआ 30 के बराबर. हमें पूछा था नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है 50 पैसे के कितने हैं, कितना रेशियो है 8. 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 8 यूनिट कितना हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया 240. बात खत्म, करो नोट एक बार. अब आप ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. इसके बाद आप ना सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लोगे. चलो मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, टुकुर टुकुर देखो एक बार उसे और फिर देखो कि कुछ हो सकता है क्या, उसके अंदर हम कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं कि यह शॉर्टकट कुछ नहीं लगेगा उसके अंदर. चलिए क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए. अ बैग कंटेंट कितने रुपीज, 510 रुपीज.
510 रुपीज़ है एक बैग के अंदर। और कॉइन टाइप ऑफ कॉइन की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है और 1 रुपीज़ के कॉइन है। इन द रेशियो, रेशियो दे रखा है हमें 5, 6, 7, 8, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। पूछा गया है बैग के अंदर टोटल कितने कॉइन्स है, क्या पूछा गया है बैग के अंदर टोटल कितने कॉइन्स हैं, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, टी ओ सी मतलब टाइप ऑफ कॉइन, क्या क्या दे रखे हैं भाई, 10 रुपीज का, 5 रुपीज का कॉइन है, उसके बाद 2 रुपीज और 1 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज, ये हमें टाइप ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स एन ओ सी लिख रहा हूं मैं इसको, नंबर ऑफ कॉइन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स को एन ओ सी लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। इनका रेशियो क्या दे रखा है भाई, 5, 6, 7 और 8, आई होप यही दे रखा है, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल। चलो ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन कोई हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है 125, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 136, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 165 और ऑप्शन डी गिवन है हमें 260, क्लियर है बच्चों। तो देखिए हमें क्या बताना था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो ये हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, तो टोटल का रेशियो निकालो भाई, टोटल का, तो टोटल का रेशियो हुआ 5 + 6 = 11, 11 + 4 = 7 = 28 और कितना हो गया 26। तो टोटल कॉइन्स का रेशियो, टोटल कॉइन्स का रेशियो कितना आया 26। बैग में जितने भी कॉइन्स होंगे टोटल उनका रेशियो कितना है 26, मतलब जो कॉइन होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे वो 26 के मल्टीपल होंगे, मतलब वो डिवाइड होते होंगे 26 से, राइट, समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बैग के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जितने भी हैं वो मल्टीपल होंगे 26 से, मल्टीपल का मतलब वो 26 से डिवाइड होते होंगे। तो आ जाओ जरा ऑप्शन देखो, क्या 26 से कोई डिवाइड हो रहा है, तो भाई ये 5 आया, कतई नहीं हो रहा, ये 6 आया, 130 होता है, कतई नहीं हो रहा, 5 आया, कतई नहीं हो रहा, और ये तो साफ दिख रहा है, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 26 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, बट ठीक है भाई, मेरी ड्यूटी है तुम्हें पूरा करवाना, तो पूरा भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां से बस वैल्यूज निकाल लो भाई, चलिए यहां से हम केवल क्या निकालेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज आपको पता है नंबर टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 50, कितना आया 30, कितना आया 14 और कितना आ गया बेटा 8, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज आ गई, राइट, कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर। अब जरा बात को ध्यान से समझो, अब बात को जरा, रेशियो निकालना है ना, काटा पीटी करो, रेशियो ही तो निकालना है हमें, तो 2 से कितना गया 25, 2 से कितना गया 15, 2 से कितना गया 7 और 2 से कितना गया 4। अब जरा इनको कर लो, 25 प्लस 15 कितना हो गया भाई 40 और 11 कितना आ गया 51, 51 हो गया, गिवन कितना है हमें 510, है ना, 51 हुआ, वैल्यूज कितना हुआ, वैल्यूज का टोटल, अगर मैं वैल्यूज के रेशियो, वैल्यूज के रेशियो का टोटल देखता हूं तो कितना हुआ 51 और क्वेश्चन में कितना गिवन है 510, कितना टाइम्स हो गया, या फिर एक रेशियो, एक रेशियो बोलोगे सर 10 के बराबर हुआ, आप क्या बोलोगे सर, एक रेशियो हो गया 10 के बराबर, क्या पूछा था हमसे टोटल कितना है 26, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, समझ में आया। तो इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है जब ऑप्शंस हेल्प कर रहे हैं, तो एग्जाम में जाकर बेटा ऑप्शंस जरूर देखा करो और सोचा करो क्या ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है, पढ़ो समझो फिर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैग कंटेंट
275 पॉइंट्स, रुपीज नहीं। अब की बार देखो, अभी तक हमने दो क्वेश्चंस करे, उन दो क्वेश्चंस में हमें टोटल वैल्यूज देता था कि 510 रुपए टोटल है बैग के अंदर या 360 रुपए टोटल है बैग के अंदर। अब क्या दे रहा है, अब हमें गिवन है नंबर ऑफ कॉइंस, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं 275 नंबर ऑफ कॉइंस गिवन है इस क्वेश्चन में। तो डिफरेंस समझ में आ गया उस क्वेश्चन में, पहले दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले दो क्वेश्चन में वैल्यूज देता था टोटल वैल्यूज, इस क्वेश्चन में टोटल कॉइंस दे रहा है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। चलो तो बोल रहा है भाई एक बैग है जिसके अंदर 275 कॉइंस है और टाइप ऑफ कॉइंस हमें दे रखे हैं 1 रुपीज, 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज। वैल्यूज का रेशियो दे रखा है हमें, पहले वैल्यूज का रेशियो हम निकाल लेते, अभी तक दो क्वेश्चन में हमने वैल्यूज का रेशियो निकाला है। क्या गिवन होता था भाई, नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो गिवन होता था दो क्वेश्चंस में, बट इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 543। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ 50 पैसे। तो मैंने डिफरेंस बता दिया है आपको कि दो क्वेश्चन जो हमने करे और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैसे होगा। तो टी ओ सी मतलब नंबर ऑफ कॉइंस क्या क्या दे रखा है, 150 और 25। तो 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे, क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या दे रखिए, वैल्यूज, वैल्यूज ना कि नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो, वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 543। हमें गिवन है टोटल कॉइंस कि बैग के अंदर जो टोटल कॉइंस है ना वो 275 है, ये तो हाँ, जो टोटल कॉइंस है वो कितने हैं 275। तो टोटल कॉइंस हमें दे रखे हैं, हमारे पास वैल्यूज का रेशियो है, हमारे पास टाइप ऑफ कॉइंस का रेशियो है। तो टोटल कॉइंस को या हमें जो टोटल कॉइंस गिवन है, समझना बात को, हमें जो टोटल कॉइंस गिवन है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। कॉइंस को कंपेयर करने के लिए टोटल कॉइंस दे रखे हैं हम लोगों को, इनको हम कंपेयर किससे करेंगे, नंबर ऑफ कॉइंस ही तो कंपेयर करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो देखो कैसे निकालते हैं, यहां मैंने लिख रखा है कि नंबर ऑफ कॉइंस अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ कॉइंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज अपॉन में टाइप ऑफ कॉइंस, क्या करेंगे, वैल्यू अपॉन में टाइप ऑफ कॉइंस, ठीक है। चलिए तो क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं इससे ज्यादा। तो नंबर ऑफ कॉइंस हमें निकालना है जो कि वैल्यू अपॉन में टी ओ सी मतलब टाइप ऑफ कॉइंस होता है। तो भाई 5 अपॉन में 1 हुआ, बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अपॉन में 1 क्यों लिख रहा हूँ समझाऊंगा। आप बोलोगे सर 5 भी तो लिख सकते हो डायरेक्ट, अरे बताऊंगा, ठीक है। अब 50 पैसा 1/2 रुपीज होता है ना, ये भी रुपीज में कन्वर्ट करो, ये भी रुपीज में कन्वर्ट करो, ये भी रुपीज में कन्वर्ट करो, ये पहले से रुपीज में है ही, तो सभी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 अपॉन में कितना आएगा 1 और 2 ऊपर उछल के चला जाएगा, उछलेगा ना ऊपर, नीचे तो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना होगा 3 अपॉन में 1/4 आएगा भाई, 50 पैसे का मतलब 1/4 रुपीज होता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, अरे बोलिए, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 12, बोलो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो हमने निकाल दिया, टोटल देखो कितना हुआ बेटा 25, टोटल कितना हुआ 25 और ये 25 ही कितने के बराबर है, कितना दे रखा है हमें 275 हमें दे रखा है। तो 1 रेशियो कैंसिल आउट करो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई भाई 1 और 1 11, 1 रेशियो 11 के बराबर हुआ बच्चों। अब 1 रेशियो हो गया 11 के बराबर, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ 50 पैसे, ये रहे 50 पैसे और नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो कितना हुआ 8। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइंस का रेशियो कितना हो गया बेटा 8। तो 8 × 11 करोगे आंसर आएगा 88, फटाफट लिख लो बिना किसी को बताए। चले बेटा
आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे हर चीज। तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेसिक, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। तो जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कॉइन एंड वैल्यू वाला पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है आ बैग कंटेन्ड अ फ्यू कॉइन्स, एक बैग के अंदर कुछ कॉइन्स हैं, कौन कौन से हैं? 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे, ठीक है। 50 पैसे के कुछ कॉइन हैं, 25 के कुछ कॉइन हैं और 10 पैसे के कॉइन हैं। कैन बी एक्सप्रेस बाय 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर दैट आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही सारा खेल बनाती है इस क्वेश्चन का। तो क्या बोल रहा है बेटा, जो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के जो कॉइन है ना, उनका जो रेशो है, उनका जो रेशो है, वो जो रेशो है ना, वो 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर नंबर में है और जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, जो कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। अब ध्यान से बात को समझना, 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर कौन सा होगा, जैसे 1, फिर कौन सा आएगा 3, फिर कौन सा आएगा 5, फिर कौन सा आएगा 7, फिर कौन सा होगा 9, फिर कौन सा होगा 11। ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अभी हमने 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं, ये 3 नहीं लिखे मतलब ज्यादा लिखे हैं, बट ये मैंने क्या लिखे हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं। बट वो ऑड के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन ने बोला है कि लगातार ऑड नंबर भी होना चाहिए और उसके साथ साथ वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखो 11 प्राइम नंबर्स होता है बिल्कुल, बट 9 नहीं होता, 9 ऑड नंबर नहीं होता। तो ये तो कैंसिल आउट करो, सॉरी ऑड कह रहा हूं, प्राइम नंबर नहीं होता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो 3 प्राइम नंबर है, आप बोलोगे यस, 5 है यस, 7 है यस। तो ये एक हमें क्या मिल गया, एक ग्रुप मिला 3, 5, 7, और ये ओनली एक ऐसा ग्रुप होता है, ये ओनली एक ही ऐसा ग्रुप है जो कि ऑड भी है, प्राइम भी है, कंसेक्यूटिव भी है, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड है, ऑड भी है, लगातार भी है और प्राइम भी है, और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में भी है, बढ़ते हुए क्रम में भी है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? तो ये एक ही ऐसा पेयर बनेगा 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर का, केवल एक ही ये पेयर बनता है, और ये पेयर आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 3, 5, 7, इनको छोड़कर और कोई नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये बात अब आपको याद रखनी है। चलिए अब ये बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें बोल रखा था टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इन द बैग कितना दे रखा है, 345, 345 गिवन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स इन द ऑर्डर, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स को रिवर्स कर देते हैं, देन फाइंड द इंक्रीज इन द अमाउंट इन द बैग, फाइंड द इंक्रीज इन द अमाउंट इन द बैग। तो हमसे पूछा गया है कि अमाउंट जो है वो, कि जो अमाउंट है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बैग के अंदर, ठीक है। चलो समझते हैं, आसानी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। चलो तो सबसे पहले टाइप ऑफ कॉइन लिख लो, सबसे पहले लिखेंगे बेटा टाइप ऑफ कॉइन्स, कितना कितना दे रखा है हमें, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये टाइप ऑफ कॉइन्स हम लोगों ने लिखे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हम निकाल चुके हैं, 3 कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर्स होंगे, तो क्या हो गया बेटा, और इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें है, इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 आया था, 5 आया था और 7 आया था। क्लियर है, इनकी जो भी वैल्यूज निकालेंगे ना बेटा, इनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, बट बोल रहा है कि इनकी जो भी वैल्यूज आएगी,
इनकी जो भी वैल्यूज आएगी वो आएगी देखेंगे। बोल रहा है अगर इन्हें हम रिवर्स में लिख दें, रिवर्स पैटर्न में लिख दें, मतलब कि 7, 5 और 3 पैटर्न में लिख दें, रिवर्स पैटर्न में लिख ले, तो जो वैल्यूज आएगी है ना, जो ये वैल्यू डिफरेंट हुई रिवर्स पैटर्न करने के बाद, जो ये वैल्यूज अब बनेगी बैक के अंदर, वो कितना इंक्रीज हो गई है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो देखो वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 50 पैसे के 3 कॉइन हो गए तो बेटा कितना हो गया, 1.5 हो गया, और 25 पैसे के 5 कॉइन हो गए, 25 पैसे के अगर 5 कॉइन हुए तो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, और 10 पैसे के 7 कॉइन हो गए तो 0.70 हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 70। इन सभी का अगर आप सम कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3.45 आ गया टोटल, क्लियर है। बट हमें गिवन कितना है, देखिए क्वेश्चन में द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग कितना है, 345 हमें टोटल गिवन है। तो ये जो होगा, जो ये 3.45 है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3.45 के बराबर हो जाएगा, 3.45 के इक्वल हो जाएगा। तो 1:1 की वैल्यू आ गई 100 के बराबर। अरे बोलो बच्चों, 1:1 की वैल्यू आ गई 100 के बराबर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज निकालो इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अकॉर्डिंग भी वैल्यूज निकालो। जब इसको हमने रिवर्स पैटर्न में लिख दिया, ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न में लिखने के बाद इसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी भाई, 50 पैसे के अगर 7 कॉइन होते हैं तो होगा 3.5, 25 पैसे के अगर 5 होते हैं तो वही सेम होगा 1.25, और 10 पैसे के अगर 3 कॉइन होते हैं तो भैया हो जाएगा 0.3। कितना हो जाएगा बेटा, 0.3, तो 3.5 हो गया, 1.25 हो गया और 0.30 हो गया। इनका अगर हम सम निकालेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 5.05, क्लियर है, 5.05। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, एक बार आप ध्यान से देखो कि ये कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये जो इंक्रीज हुआ ना, ये इंक्रीज हो गया 1.6, रेशियो में इंक्रीज हुआ 1.6। 1:1 कितने के बराबर है, 1:1 है 100 के बराबर सर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 160। तो हम बोल सकते हैं 160 रुपीज इंक्रीज हो गए जब हमने इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। जब हमने इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया ना बेटा, तो रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा था, 1.6 इंक्रीज हो रहा था, 1:1 कितने के बराबर था, 100 के बराबर आया था, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो रुपीज में जो चेंज आया वो कितना आया, 160 रुपीज का आया। क्यों आया, क्योंकि हमने जो कॉइन्स का, जो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो था उसको रिवर्स करके लिखा कितना, 7, 5 और 3। तो चलिए एक बार नोट डाउन करो इस चीज को। चले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई आज। चलिए बेटा क्वेश्चन को, इसको मैं अभी सॉल्यूशन को हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप रीड कर लो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी हैव फ्यू कॉइंस, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, उनके पास फ्यू कॉइन्स हैं। बोला 8 times द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ए हैज इज इक्वल टू 5 times द नंबर ऑफ कॉइन्स बी हैज। बोल रहा है कि ए के पास जो कॉइन है ना, मतलब ए के कॉइन्स का 8 times, समझा देता हूं देखो। बोल रहा है ए के पास जो कॉइन है उनका जो 8 times है, ए के पास जो कॉइन है उनका जो 8 times है वो इक्वल है बी के पास जो कॉइन है उनके 5 times का, क्लियर है बेटा। वो यही कहना चाह रहा है कि ए के पास जो कॉइन है उनका 8 times इक्वल है बी के पास जो कॉइन है उनके 5 times का। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। 7 times द नंबर ऑफ कॉइन्स बी हैज इज इक्वल टू 11 times द नंबर ऑफ कॉइन सी हैज। तो इसका कहने का मतलब है कि बी के पास जो कॉइन है उनका सेवन टाइम्स इक्वल है सी के पास जो कॉइन है उनका 11 times के बराबर।
तो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए बी एंड सी पुट टूगेदर। तो ए बी सी के पास मिनिमम, ए बी सी के पास मिनिमम कितने कॉइन्स होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा रेशियो, और रेशियो को कल मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया था, बट एक ही तरीके से सिखाया था, ठीक है। चलो तो ए कितना आया 5, बी कितना आया 8, क्योंकि देखो वैल्यू होती है सामने वाली, वैल्यू होती है सामने वाली, ठीक है। इसी तरह से देखिए बी, यहां बी इक्वल टू कितना आएगा 11, और यहां C इक्वल टू कितना आएगा 7। तो हम निकाल सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू आ गई 8, फिर यहां B की वैल्यू आ गई 11 और C की वैल्यू आ गई 7। तो कल मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था, अगर किसी बच्चे ने कल वाला रेशियो वाला अगर क्लास नहीं देखी एक बार चले जाओ देख लो, क्योंकि वहां मैंने आपको बेसिक बताया था। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 8 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया बेटा 55, कितना आ गया 88, कितना हो गया 56, है ना, कितना हो गया 56, और इन सब का सम जो आएगा वो आएगा 199, इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा 199, और 199 ही हमारा आंसर होगा। अब आप पूछोगे सर क्यों 199 ही हमारा आंसर होगा, अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देखिए समझो हमसे पूछा गया है मिनिमम उन तीनों के पास ए बी और सी के पास मिनिमम कितने कॉइन्स होंगे, राइट, ये तो पूछा गया हमसे। देखो तो कॉइन्स कभी भी बेटा आधे तो नहीं होंगे कि भैया मैंने 1 रुपए का कॉइन लिया तोड़ दिया और ए को दे दिया और बी को दे दिया, ऐसा हो सकता है कभी नहीं, कॉइन्स को नहीं तोड़ा जा सकता, कॉइन कभी भी पॉइंट में नहीं होते, ठीक है। आप अगर बोलोगे तो इंटीजर्स नंबर्स में कॉइन होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि 10 रुपए के 10 कॉइन तो ठीक है, बट अगर मैंने बोला 10 रुपए के 7.5 कॉइन तो ये तो गलत बात है ना, कि एक कॉइन को क्या आधा तोड़ दिया, नहीं तोड़ सकते। तो ये जो भी रेशियो निकला 199 टोटल रेशियो निकला, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, किसी भी पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट से मल्टीप्लाई करते ये पॉइंट में चला जाएगा और नंबर ऑफ कॉइन्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। तो मिनिमम बनाने के लिए इसको हमें सबसे छोटे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1, और जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 199 ही तो आंसर आएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइंस 199 ही होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आराम से करनी है चीजों को, ठीक है भाई, करो एक बार नोट डाउन। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई चैप्टर के साथ, रेशियो इतना ही करवाना है, ठीक है, प्रैक्टिस था तो इतनी बहुत है प्रैक्टिस, एक नया चैप्टर और स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो गुड बाय एंड टेक केयर।